स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल USD News दरभंगा में। और आज आपको हम बताएंगे, अगर आप दरभंगा आए हो तो आपको कौन कौन सी जगह पे घूमनी चाहिए, क्योंकि दरभंगा जैसे बिजनेस शहर में लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं उन्हें कहाँ घूमना चाहिए और कहाँ नहीं घूमना चाहिए। और मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब से दरभंगा में एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे टूरिस्ट का जो नंबर ऑफ टूरिस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस सब्जेक्ट पे मैंने एक वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। हम जो है सो इसमें आपको 10 ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां आपको जरूर से जरूर घूमना चाहिए अगर आप दरभंगा आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रधारी म्यूजियम से। आपको मैं जगह के साथ उसका डिस्टेंस और वहां जाने में आपको टाइम कितना लगेगा दरभंगा स्टेशन से और एयरपोर्ट से दोनों बताऊँगा। और आपको जो मैं टाइम बताऊँगा वो बताऊँगा कैब या फिर ऑटो से, क्योंकि अक्सर टूरिस्ट जो होते हैं वो कैब या ऑटो बुक करते हैं। शुरुआत करते हैं चंद्रधारी म्यूजियम से। चंद्रधारी म्यूजियम जाने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे दरभंगा स्टेशन से, क्योंकि ये दरभंगा स्टेशन के लेफ्ट साइड है। और अगर एयरपोर्ट से बात करें चंद्रधारी म्यूजियम की तो इसका डिस्टेंस है 8.1 किलोमीटर और आपको यहाँ पहुँचने में लगेंगे 20 मिनट। सेकेंड नंबर पर श्यामा मंदिर। श्यामा मंदिर का डिस्टेंस दरभंगा स्टेशन से है 1.5 किलोमीटर, यहाँ पहुँचने में आपको टाइम लगेंगे 6 मिनट। और अगर एयरपोर्ट से बात करें इसके डिस्टेंस के बारे में, इसका डिस्टेंस है 6.9 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने में टोटल टाइम लगेंगे 16 मिनट। थर्ड नंबर पे मनोकामना मंदिर। मनोकामना मंदिर पहुँचने में दरभंगा स्टेशन से टाइम लगता है 2.3 किलोमीटर और इसका जो टाइम है वो लगेगा 9 मिनट। और एयरपोर्ट से बात करें तो एयरपोर्ट से आप डिस्टेंस है इसका 5.9 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने का जो टाइम है वो 16 मिनट। फिर बात करते हैं नारगोना पैलेस की। नारगोना पैलेस का डिस्टेंस है दरभंगा स्टेशन से 2.3 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने में जो आपको टाइम लगेंगे वो है टोटल 9 मिनट। और अगर बात करें एयरपोर्ट से तो एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस है नारगोना पैलेस का 5.9 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने में 16 मिनट लगेंगे। उसके बाद आता है LNMU कैंपस। LNMU कैंपस का डिस्टेंस है दरभंगा स्टेशन से 1.9 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने में लगेंगे टोटल 7 मिनट। और अगर बात करें इसका डिस्टेंस एयरपोर्ट से तो वह है 6.6 किलोमीटर, पहुंचने का टाइम 17 मिनट। फिर बात करते हैं राज मैदान की। राज मैदान दरभंगा का एक ऐतिहासिक मैदान है, यहां पहुंचने में दरभंगा स्टेशन से आपको लगेंगे 1.7 किलोमीटर और इसका जो टाइमिंग होगा वो 6 मिनट होगा। और एयरपोर्ट से राज मैदान की बात करें तो 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पहुँचने का टाइम 8 मिनट। उसके बाद आता है दरभंगा राज फोर्ट। दरभंगा राज फोर्ट पहुँचने में दरभंगा स्टेशन से आपको टाइम लगेंगे 2.2 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने में जो आपको टाइम लगेगा वो होगा 8 मिनट। अगर एयरपोर्ट से बात करें दरभंगा राज फोर्ट की, इसकी डिस्टेंस है 6.5 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने में आपको टाइम लगेंगे 16 मिनट। फिर बात आती है कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी की। कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा को एक खास शहर बनाती है, क्योंकि पूरे भारत में दरभंगा एक ऐसा ज़िला है जहाँ की 2 यूनिवर्सिटी है, वो भी सिर्फ एक ही कैंपस में। तो बता दें आपको इसका डिस्टेंस है दरभंगा स्टेशन से 2 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो 8 मिनट। और अगर कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस की बात करें दरभंगा एयरपोर्ट से तो ये डिस्टेंस होगा 5.7 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने का जो टाइम लगेगा आपको वो होगा 15 मिनट का। एंड लास्ट वन इज़ भीखा शाह सैलानी मज़ार। भीखा शाह सैलानी मज़ार इसलिए फेमस है क्योंकि मुग़ल शासक के जो लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफ़र, उनके भाई मीर जफ़र को यहीं दफनाया गया था, क्योंकि उनकी दरभंगा महाराज के बेटे के साथ खास दोस्ती थी। तो भीखा शाह सैलानी मज़ार की अगर बात करें तो इसके डिस्टेंस है दरभंगा स्टेशन से 1.3 किलोमीटर, यहाँ पहुँचने में आपको लगेगा 4 मिनट। और दरभंगा एयरपोर्ट से अगर इसकी बात करें तो ये इसका डिस्टेंस होगा 8.8 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने का टाइम लगेगा 23 मिनट। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दो, वीडियोस को शेयर कर दो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो वह भी बताना आप मुझे, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए आप हमें बताना, हम उस सब्जेक्ट पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।